नाम बता दीजिए अपना। बंटी नाम है। बंटी जी, जो आपके भाई की हत्या हुई है, क्या है पूरा नाम? सर, मैं ड्यूटी गया था अपने भाई और मम्मी को छोड़ के। मैंने अपने भाई को कहा छोटे वाले को घर पे रहना है, ठीक है। अपना ड्यूटी चला गया, वो अपनी वाइफ को लेने गया होगा घर पे। इनकी पहले से लड़ाई चल रही थी, मैं भी थोड़ी बहुत लड़ाई चलती रहती है, मगर उसे मेरे मना करने के बावजूद भी वो घर पे चला गया लड़की के। या मैंने उसे मना करा कहीं मत जी, मगर वो लड़की यहाँ चला गया लड़की को लेके आने के लिए। उन लोगों ने उसे मिल के मारा है, लड़की वालों ने, माँ ने, बाप ने, भाई ने, मामा ने, चाचा ने, 5-6 जनों ने मिल के मारा उसको। इतने गंदे तरीके से मारा है, पूरा सब कुछ फाड़ फूड रखा है। किस जगह की वारदात है ये? खिचड़ीपुर 8 ब्लॉक की बात है, 8 और 7 के बीच में की बात है। शौचालय है, क्या स्कूल है, वहाँ की बात है सर ये। कितने दिन हो गए आपके भाई की शादी को और कब से चल रही है रंजीश? नहीं, अभी तो फिलहाल थोड़ी सी बीच की बात है, जो 1.5-2 साल होगी शादी को। एक दो बारी छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा चला था, जो मेरे में होता रहता है। पुलिस क्या कह रही है अब? पुलिस सर कुछ नहीं कह रही अभी, जो भी उन्होंने पूरा सब कुछ लिखवा लिया हमसे, पता नहीं क्या क्या है। भाई ने आत्मसमर्पण किया है, बाकी फरार है। हाँ, कार्रवाई करी। पुलिस ने किसी को पकड़ा है अभी? किसी को नहीं पकड़ा। वो लड़का है, वो खुद सरेंडर हुआ है। अच्छा, लड़की का भाई। क्या चाहते हैं अब? हमें इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, उसके घर वाले सारे हाजिर होने चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, उसके सारे घर वाले थाने में पेश होने चाहिए, क्योंकि उनका ही हाथ है। सभी लोग फरार हैं, सभी लोग फरार हैं। उन्होंने पेशे के तौर पे अपने भाई को खड़ा कर दिया है, उसकी वाइफ भी फरार है, और उसकी वाइफ भी फरार है, उसकी मम्मी भी फरार है, उसके पापा भी फरार है, उसके चाचा, उसकी सास सब फरार है। जब तुम गुनाहगार नहीं हो तो भाग क्यों रहो तुम? ये बात, बीवी भी क्यों भागी सबसे पहले? छोड़ दिया उसे, बीवी भी नहीं आ रही, उसकी बीवी भी छोड़ के उसे भाग गई। उसका याद है सबसे बड़ा।